से कहता हूं हम एक सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपने राज्य के लिए काम करते हैं। तालियां बजाकर सम्मान करिए आप तमाम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करना चाहता हूं एक ऐसे जुझारू व्यक्तित्व से, मैं निवेदन करना चाहता हूं नरेंद्र यादव जी से, वो आए और इत्तेफाकन देखिए इस युवा को, ये एमडी है ग्रीनवुड सिटी फेडरेशन गुड़गांव, अध्यक्ष है गुड़गांव होम डेवलपमेंट एसोसिएशन के और आरडब्ल्यू रेजिडेंसी ग्रीन के प्रेसिडेंट हैं। इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और बहुत श्रेष्ठ वक्ता है। माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख कई बार उन्हें बोलने का अवसर मिला और गुड़गांव की समस्याओं को जिस तरह रखा, आप लोगों की तालियां इस बात की ताकीद करें, गवाही दें। आइए श्री नरेंद्र यादव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज श्री भाई नरवीर जी और बहन गार्गी कक्कड़ जी, आप सब अनिल राव जी और सभी जितने भी लोग यहाँ पे हैं, सारे परिवार के लोग हैं। जैसा महाराज श्री ने बताया, एक भी व्यक्ति बाहर से नहीं है। महाराज श्री का आशीर्वाद, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, जो आज इतना बड़ा परिवार ये बना। जैसा अभी महाराज श्री कह रहे थे, सोचिए एहसास होगा, यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवते भारते अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्य हम। भगवान ने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने, मैं आऊंगा और आए, जरूरत है तो सिर्फ देखने की। देश में मोदी, यूपी में योगी और हरियाणा में योगी संघ योगी। आज से 25-30 साल पहले अक्सर हरियाणा में चर्चा हुआ करती थी, भाई अब क्या कोई मुख्यमंत्री ईमानदार आ जाए। मैं किसी को बेईमान नहीं कह रहा फिर भी, पर यह चर्चा होती थी। पिछले 7 साल के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक बात की जाती है, भाई मुख्यमंत्री तो ईमानदार है। विपक्ष भी कसम खाता हो जिस मुख्यमंत्री की ईमानदारी की, पूरे गुड़गांव की जनता की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हरियाणा के अंदर ईमानदारी की बात अगर करते हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर की बात करते हैं, भाई नरवीर जी ने जब भी हमारी कोई समस्या आई, सीएम साहब के पास लेके गए, महाराज श्री लेके गए। कमाल की बात बताऊं, चाहे चौथा फ्लोर खोलना हो, एफएआर का बढ़ाना हो, कुछ कमी रह गई थी वो फाइल अभी दोबारा क्लियर हो जाएगी। उसके बाद 4 महीने पहले बड़े बड़े बिल्डरों ने डीएचबीवीएन का पैसा जमा नहीं कराया, कॉलोनियों के अंदर कनेक्शन बंद कर दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और कमाल की बात यह थी, 22 दिसंबर की डेट दी और 22 दिसंबर से आपके बिजली के कनेक्शन की फाइल एक्सेप्ट होनी शुरू हो गई। 5-7 दिन में कनेक्शन भी लग जाएंगे। कमाल की बात देखिए, पहले समस्या होती थी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, भाई समस्या लेके मेरे पास आओ तो पहले समाधान लेके आना। समस्या सुन के कहते समाधान बताओ, और जब समाधान सही मांगा जाता है तो अगले दिन समाधान भी हो जाता है, ऐसी छवि है माननीय मुख्यमंत्री जी की। महाराज श्री के सानिध्य में आके, भाई नरवीर जी के साथ काम करके, हमारा भी मन करने लगा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, व्यापार करना चाहिए और राष्ट्र के लिए भी काम करना चाहिए। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी, एक चीज कहना चाहूंगा, पूरा रियल एस्टेट का परिवार, और आप ध्यान रखिएगा, 2000 लोगों को जो आना था माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वामी जी ने जो प्रोग्राम लिया था, सिर्फ कुछ ही लोग हैं, पर तालियां उन सबकी आपको बजानी है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, ये पता चलना चाहिए। अक्सर व्यापार में लोग कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं, भाई बिजनेसमैन बिजनेसमैन होता, उसको सरकार से कुछ नहीं होता, पर मैं हर उस बिजनेसमैन से,
हर उस व्यक्ति से कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, अगर इस तरह का व्यक्तित्व हो, इस तरह के काम करने वाले मुख्यमंत्री हो, तो कोई सीमाएं नहीं, कोई बाधाएं नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है, अच्छे व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाओ। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी महाराज श्री जो कह रहे थे, पिछली बार नारा था आपकी बार 75 पार, और अब की बार नारा होना चाहिए अब की बार 89 पार। सेवा की जब सोच दिमाग में आई तो मन किया आज माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सिर्फ एक सेवा का मौका हमें दीजिए। हम सब लोग रियल एस्टेट के लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, सिर्फ एक कोई ऐसा हॉस्पिटल की साइट दीजिए, हम आपके सहयोग से आपके साथ मिलके, और मेरा समर्थन सारे लोग करेंगे, हाथ खड़ा करके मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं, एक हॉस्पिटल बनाएंगे पूरे हरियाणा के अंदर, वो एक मिसाल होगी, पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा, आप हम सब लोग मिलकर बनाएंगे, एक बार जोरदार नहीं आई आवाज, बहुत बड़ी चीज मांगी है मुख्यमंत्री जी से। और माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछली बार भाई नरवीर जी रह गए थे, आपकी बार इनका फिर ध्यान रखना, हम सब लोग, ये पूरी टीम पूरे समर्पण के आपके साथ होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम अभी आजादी अमृत महोत्सव का प्रोग्राम चल रहा है, हमने कहा सर 26 जनवरी का प्रोग्राम दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई एक काम करो तुम 23 मार्च का प्रोग्राम लो, 23 मार्च का प्रोग्राम लो। मैं हंसने कह रहा क्यों हंस आप, मैंने कहा मेरा जन्मदिन है 23 मार्च को। मुख्यमंत्री जी ने कहा फिर प्रोग्राम पक्का होगा, और भगवान से दुआ करते हैं कि कोरोना जल्दी ही खत्म हो जाए, दिसंबर में ही खत्म हो जाए और वो प्रोग्राम हमें मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आज यहाँ पे पधारने के लिए, और कमाल की बात देखिए, प्यार देखिए, कहने के तुम तो भूल गए थे मैंने तो फोन किया कि प्रोग्राम है, देखा है सर मुख्यमंत्री, पहली बार जब मैं मिला मैंने पैर छुए, एक बार तो मुझे नहीं लगा, अब से पहले जो होता था सिर्फ डरते थे, और मुख्यमंत्री जी आ रहे चलो भाई अपने काम पे जाओ तुम्हें क्या लेना, और अब ऐसा करता है जब भी मुख्यमंत्री आए ये सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पलके बिछाए बैठे हों। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं पूरे हरियाणा की तरफ से, पूरे हमारे रियल एस्टेट परिवार की तरफ से। जब भी जहां भी जैसी भी ड्यूटी आप लगाएंगे, पूरा रियल एस्टेट का परिवार हमेशा आपके साथ होगा। एक बार जोरदार तालियां माने मुख्यमंत्री के लिए, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। और लोगों दोनों हाथ उठाकर ऐसी घनघोर तालियों से हिम्मत दीजिए, साथ दीजिए, समर्थन दीजिए। एक बार के लिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, खड़े होकर बनता तालियों के साथ। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी धर्मदेव जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सज्जन वृंद, नाम लूंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, राव रणवीर जी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी हैं, फिर जो आयोजन के आज अब ये हीरो ही हैं, जिस ढंग से इन्होंने भाषण दिया तो वास्तव में सुना तो पहले भी लेकिन इस प्रकार से नहीं सुना था। नरेंद्र जी हैं, दिनेश जी हैं, दिनेश नागपाल जी, दिनेश रघुवंशी जी को जब सुनते हैं तो उसमें से तो और ही करंट आ जाता है। सभी उपस्थित भाइयों बहनों, बहुत सहज तरीके से स्वामी जी ने कहा, हमने मान लिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि चाय या भोजन के बदले में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर ये कराएंगे तो बाद में मांग पर रख दी। लेकिन अच्छा लगा, अपने बिजनेस के साथ, व्यवसाय के साथ साथ जब समाज सेवा की भावना मन में जागृत हो तो एक बहुत बड़ा ये विषय है। वास्तव में तो कुछ समय पहले तक आजादी के बाद जो राजनीतिक लोगों की परंपराएं खड़ी हुई,
उसमें राजसत्ता और सेवा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चलती रही। मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री अभी बने नहीं थे, लेकिन जब चर्चा चल गई थी 2013 में, तो उनसे पत्रकारों ने पूछा क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, आपकी प्राथमिकता क्या होगी। बहुत सोच समझ करके काफी देर कर लगे, विषय तो बहुत है, फिर भी कोई ऐसा विषय जो आपके मन को लगता हो कि इसको मेरी प्राथमिकता रहेगी, इसको ठीक करूंगा। बड़ा एक आनंददायक उत्तर उन्होंने दिया, कुछ मीडिया के लोगों को शायद याद भी होगा, पता भी होगा, कि सबसे पहले मैं अपनी बिरादरी के लोगों की छवि बदलूंगा। यानी जो कहा जाता था ये नेता है, तो उस समय नेता के बारे में क्या धारणाएं होती थी, बनती थी, जो खराब से खराब विषय नेता के बारे में कहा जा सकता था, लोग कहते थे खराब से खराब नेता, यानी हमारे मतलब का नहीं आदमी है, तो ठीक है वोटों के समय मजबूरी में वोट दे देते हैं, वो आ जाते हैं, राज करते हैं, लेकिन राज को भोगने का काम होता था नेताओं का। राज का ये सेवा का भी माध्यम हो सकता है, ये दूर दूर तक सोचता नहीं था कोई। लेकिन हमारे नरेंद्र जी ने उनको रास्ता दिखाया, अब देखने वाले भी नरेंद्र जी हैं। तो रास्ता दिखाया, हम सब देख रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। समाज के प्रति संवेदना, सेंसिटिविटी, ये बहुत जरूरी है। ये समाज मेरा परिवार है, हमने ऐसे वसुधैव कुटुंबकम कहा है, ये वैसे ही नहीं कहा है, वो तो वसुधा की बात, पूरी दुनिया की बात करते हैं हम, अपने देश की बात करके इतना तो कम से कम कर ले कि मेरे देश का जो परिवार, ये जो समाज है, ये मेरा परिवार है। एक परिवार होता है माता पिता के संतान के रूप में हम परिवार होते हैं, दादा दादी चाचा चाची, फिर आगे रिश्तेदारियां और जुड़ जाती हैं, वो एक परिवार बन जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं परमपिता परमेश्वर और ये भारत माता, किसी को पिता मानते हैं, किसी को माता मानते हैं, तो अगर उस व्रत स्वरूप को देखेंगे तो ये हमारा सारा परिवार है। और जब परिवार के नाते सत्ता या शासक विचार करेगा, तो उसके मन में अगर वास्तव में परिवार मानता, तो परिवार के उस गरीब से गरीब या कमजोर से कमजोर व्यक्ति की चिंता भी हो जाती है। जैसे अगर बेटा बेटी उसमें अगर सबसे कमजोर होता है, तो माता पिता सबसे ज्यादा चिंता उसकी करते हैं कि भी इसकी देखरेख कोई नहीं करेगा, बाकी तो सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, सब अपना काम कर लेंगे, घर परिवार चला लेंगे, कमाई कर लेंगे, लेकिन ये बेचारा शायद बेचारा निकल जाता है, इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं, मैं करूंगा या मैं करूंगी, ऐसा माता पिता के दिमाग में आता है। वही ध्यान शासक को भी करना जिस दिन शुरू हो जाएगा, उसी दिन फिर ये सब बातें अच्छी लगने लगेंगी, परिवार को भी लगेंगी, अपने आप को भी लगेंगी। स्वार्थ के भाव से ऊपर उठ करके परमार्थ करने वाला व्यक्ति, उसके मन को बहुत बड़ा आनंद मिलता है। जो आनंद त्याग में है, वो आनंद ग्रहण करने में नहीं है, आनंद छोड़ने में ज्यादा होता है। इसलिए ये भाव 2014 से हमने शुरू किया था। जो कमियां कमजोरियां उस समय, क्योंकि ये राजसत्ता कोई छोटा सा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सर्कस है, सर्कस ही है ये, रोज तमाशे नए नए देखते हैं। एक व्यक्ति था, वो यानी राजनीतिक पार्टी में आने से पहले वो नौजवान रोजाना फिल्म देखता था, यानी हफ्ते में 2 फिल्म देखता था, तो बाद में धीरे धीरे पार्टी में आ गया, फिर राजसत्ता में आ गया, फिर राज करने का मौका मिल गया, उसको किसी ने पूछा कि जवानी में तुम हफ्ते में 2 फिल्में देखते थे, अब कहलेगा मैं रोज देखता हूँ। हरियाणवी में कहावत है कि सांग बड़ा और रात छोटी, इतना बड़ा सिस्टम है, ये सिस्टम में बहुत कुछ ध्यान करना पड़ता है, लेकिन अगर दिशा ठीक हो तो फिर चीजें अपने लक्ष्य की ओर हम बढ़ करके प्राप्त कर सकते हैं। कोई कमी नहीं है, कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं है कि कोई काम पूरा हो नहीं सकता। आपका लक्ष्य, आपका मनोबल, आपका यानी वो मजबूत होना चाहिए, मनोबल ऊंचा होगा तुम सब कुछ कर सकते हैं,
कोई चीज ऐसी नहीं जो नहीं कर सकते हैं। स्वामी जी को याद होगा, स्वामी जी के वहां जन्मदिन पर मैंने एक गीत सुनाया था, भाव उसका ये था कि जैसा हनुमान जी को जब वो समुद्र पार करने के लिए लंका जाने के लिए खड़े हुए तो एक बार ठिठुर गए थे कि समुद्र कौन पार करेगा, तो उस समय ऋषि जामवंत जी आए, उन्होंने हनुमान जी को याद कराया कि तुम्हारे अंदर ताकत बहुत है और इस ताकत के आधार के ऊपर तुम ये समुद्र क्या 7 समुद्र भी पार कर सकते हो। उनको अपनी ताकत याद आई, मारे छलांग को लंका पहुंच गए। तो मनुष्य जो होता है उसमें ताकत बहुत है। हम संघ में वो गीत गाया करते थे, हमारे भारद्वाज जी को पता होगा, मनुष्य तो बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तो बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। इसलिए संकल्प लेकर के चलने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमने हरियाणा में सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए सबसे पहले गरीब व्यक्ति जो है समाज का, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कई योजनाएं बनाई। एक योजना उसमें अभी हमने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई है, तो उसके अंदर डाटा हमारा सारा तैयार हो गया है। पहले चरण में 1 लाख ऐसा परिवार जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, दोनों आंकड़े वही हैं, 1 लाख परिवार जिसकी 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, इनको कैसे डबल आय की जा सकती है। एक एक को बुलाया, सरकारी योजनाएं बताई, उनको सहायता की, बैंक से लोन लेके दिया, सरकारी सब्सिडीज दी, और उस सारे काम को हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे ऐसा हमको लगता है। चिन्हित करके अब ये काम अपने अपने एरिया पर सब कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन चाहिए क्या, समर्पण भाव। अगर समर्पण भाव की 2 पंक्तियां याद करनी हो तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस भावना से चलेंगे तो जो सोचे हुए काम सारे पूरे होंगे। अब बहुत विषयों को दोहराना यहाँ इस समय उचित नहीं है। कुछ संकल्प नरेंद्र जी ने अपनी बातचीत में कहे हैं, कुछ राव नरवीर जी ने कहे हैं, जो कहे हैं आप तैयार हो जाइए, हम तैयार हैं, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अभी इतनी जल्दी, एक बार मैं चाहता हूँ बहुत ही सारगर्भित संबोधन के लिए तालियां कमजोर है आपकी। लीलू जी का जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई। मैं समय की सीमाएं हैं, मैं इसलिए मुझे सुरक्षा से निर्देश हुआ है, बिना किसी देरी के मैं चाहता हूँ एक स्मृति चिन्ह आप फटाफट सबसे पहले दें, और स्मृति चिन्ह देने के लिए दिनेश नागपाल जी, नरेंद्र यादव जी और सतीश ग्रोवर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे सभी सम्मानित अतिथियों को, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। मैं चूंकि सुरक्षा कर्मियों से आदेशित हुआ है कि समय बिल्कुल कहीं अभी टेक ऑफ होना, इसलिए 1 मिनट में मात्र चाहता हूँ, एक बार आपकी तालियां सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। केवराज जी प्लीज सर आ जाइए, प्लीज सर थोड़ा तालियां आपकी शामिल रहे, बहुत तेजी के साथ में। पूज्य स्वामी जी को एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें, पूज्य स्वामी जी को आप सबका कोटिश धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही कीमती समय दिया, सभी का धन्यवाद। निवेदन करूंगा माननीय, हाँ।